दोस्तों भड़कों में हूं और जो मैं केस लगातार फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहा था, जिसमें हमने दिखाया कि एक ट्रक था, ट्रक के नीचे एक वैगनार गाड़ी दब गई थी। मेरे साथ चिंटू मौजूद हैं जो उस गाड़ी के अंदर थे। मैं आप तमाम लोगों को बताऊं, जिस तरह से गाड़ी दबी हुई थी तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें जो भी ड्राइवर होगा उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये जो है, जिसको अल्लाह रखे या भगवान रखे, उसको कौन चखे। जब जिंदगी आगे से देने पे होती है तो फिर उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। मेरे साथ पिंटू हैं। पिंटू, क्या कुछ माहौल था, गाड़ी कैसे आई, आप कैसे दबे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं घर से निकला था जी, घर से निकल के वहीं पे पॉइंट पे पुल पे पहुंचा जी। पहुंचने के बाद वहीं हमारे पड़ोसी हैं, उनका ट्रैक्टर खड़ा था, रोबिन जी जी, ठीक है। उनसे मैं 2 मिनट उनसे बात कर रहा था जी, उन्होंने बचाई। आगे ट्रक जी आते, अच्छा आपकी गाड़ी खड़ी थी और ट्रक आया, हाँ ट्रक का डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस होते मेरे ऊपर, और आप जिससे बात कर रहे थे वो एकदम भाग गया वहाँ से। वो तो निकलते, वो अपना भाग गया, वो बचाव नहीं करेगा, बचाव तो करेगा, हाँ। लेकिन मैं गाड़ी से निकल के कैसे बच जाता था उस कंडीशन में जी। तो आपने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की? कोशिश की, मैंने बैक गियर डाल दिया था इतने, लेकिन इतने तो कांड हो गया। अच्छा अच्छा, जब गाड़ी आप दब गए, बहुत सारे उसमें गन्ने, 9 टन की तो ट्रक ही होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जान के बचने में जो सारी चीजें हैं, वो ट्रक की जो ट्रॉली खड़ी थी, दो वो कहीं ना कहीं आप, वो उन पे कुछ सपोर्ट हुआ है, दो ट्रैक्टर ट्रॉली पे सपोर्ट हुआ है, मतलब वरना तो मैं तो खत्म था, गाड़ी ऐसे मिल जाती, मैं भी रोड से मिल जाता जी। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब आप गाड़ी में बैठे थे तो आपने उसकी सीट तोड़ के, हाँ जैसे वो ट्रक गिरा, मुझे लगा अब तो खत्म तो है ही, अगर बच गया तो बच गया, मैंने सीट तोड़ के मैं लेट गया। अच्छा, तो नीचे का हिस्सा फंस गया, मैं ऊपर का सेफ रह गया। अच्छा, छत में और आपके बीच में कितना गैप था? डिस्टेंस था करीब 2 फुट का, 2 फुट का डिस्टेंस था। ट्रक ड्राइवर जब गाड़ी पलटी, 2 से कम होगा सर, ट्रक ड्राइवर जब गाड़ी पलटी ट्रक से जब ही कूद गया था, या फिर उसका मुझे तो याद ही नहीं है, फिर मैं अपने को बचाव करूंगा या मैं ट्रक ड्राइवर को देख लूंगा, मैं फंस गया हूं, मैं ट्रक भीतर रोड पर पड़ा। अच्छा, पहले ट्रक ड्राइवर दिखा ही नहीं, पता ही नहीं, फिर तो कुछ पता ही नहीं है ना मुझे, और बाहर के जो लोग बोल रहे थे उनकी आवाज आ रही, उनकी वॉइस आ रही थी। अच्छा, तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पिंटू है और इनके 28 वर्ष उम्र है, ये वहां खड़े हुए थे पॉइंट पे, ट्रक आता तो ट्रॉली बराबर बराबर खड़ी थी, तो इनको कहीं ना कहीं वो जो मौत का पूरा मंजर होता है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल गुप अंधेरा होगा उस वक्त, इनको तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बता रहे हैं बाहर से जो आवाजें, लोग आवाज जो भी लोग कोशिश कर रहे थे, जो भड़कों के लोग थे आसपास के गांव के लोग थे, उनका बहुत सहयोग रहा है, और इनको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनको जो ये जीवन मिला है, ये इनको दूसरा जीवन मिला है, और ये जीवन का ये सही इस्तेमाल करें इसका, और इनको भगवान का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। यही वो शख्स है जो गन्ने के ट्रक के नीचे जो वैगनार दबी थी उसके अंदर यही मौजूद थे। मैं आप तमाम लोगों के लिए इसलिए इनके से बात करने आया हूँ क्योंकि मैंने पूरी वीडियो चलाई है, तो उस शख्स को भी दिखाना चाहिए जो एग्जैक्टली उस गाड़ी के अंदर था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और आपको मैं ये कहना चाहूंगा ये आपका दूसरा जीवन है, और आप भगवान का शुक्र अदा करें क्योंकि ये आपको दूसरा जीवन मिला है। गाड़ी कोई बात नहीं, गाड़ी आती जाती रहती है, आपकी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मदर खान भड़कों से FM टॉप के लिए।